Next student. Now I will discuss here properties of washing soda. Washing soda. First property beta, it is white crystalline solid. Okay. Second beta, it is soluble in water. Okay, separately soluble in water. Number three, it loses its water molecule on heating करने पे ही अपने water molecule क्या कर लेता है, lose कर देता है. कैसे देखिए, Na2CO3.NH2O जब इसे हीट करेंगे तो बेटा पहले Na2CO3.1H2O बचेगा. ओके, और 9H2O अलग हो जाएंगे. ओके, और ज्यादा स्ट्रांगली हीट कर दिया तो बेटा Na2CO3 और बेटा 1H2O भी अलग हो जाएगा. ओके, ये जो सबस्टांस बनेगा ये सोडा एस बन जाएगी. क्या बन जाएगी बेटा? ओके, क्लियर ना बेटा? नेक्स्ट है, इसकी प्रॉपर्टी में ही अगर देखें तो एट एक्वस सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू. रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है. इसका मींस है इट इज अ बेसिक साल्ट. ओके, नेक्स्ट बेटा अब इसकी हम स्टडी करते हैं कि यूजेस क्या है. बेटा नाउ आफ्टर एक्सप्लेनिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा, आई विल एक्सप्लेन हियर यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा. बेटा इन एवरीडे लाइफ का मीन्स है हर डेली हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें वॉशिंग सोडा का यूज होता है. कैसे? जैसे देखिए, सबसे फर्स्ट है इट इज यूज्ड टू क्लीन द क्लॉथ्स या वॉश द क्लॉथ्स इन लॉन्ड्री. ओके, अगर आप किसी हॉस्टल में रह रहे हैं जहाँ पे बहुत लाख मतलब नंबर में स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पे वो कपड़े जब धोते हैं उनके धुले जाते हैं तो वो एक बड़े से कह सकते हैं लॉन्ड्री में ही वॉश होते हैं. तो बेटा लॉन्ड्री में जब बहुत ज़्यादा क्लॉथ्स क्लीन किए जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज्यादा डिटर्जेंट का यूज ना करके किसका यूज कर लिया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट है बेटा इट इज यूज्ड टू रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर. वाटर की हार्डनेस को भी दूर किया जा सकता है. किसकी हेल्प से? वॉशिंग सोडा की हेल्प से. नंबर थर्ड है बेटा इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर सोडा एस. ओके, इसकी हेल्प से हम क्या बना सकते हैं? सोडा एस भी बना सकते हैं. नेक्स्ट है बेटा इट इज यूज्ड इन डिटर्जेंट्स
ये डिटर्जेंट्स में भी इसका यूज होता है। और नेक्स्ट है इट इज यूज्ड एज रिएजेंट इन केमिस्ट्री लैब। ओके, केमिस्ट्री लैब में ये रिएजेंट के रूप में यूज किया जाता है। तो दीज आर द फ्यू यूजेस ऑफ द वॉशिंग सोडा। नाउ